नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर मंडला के कलेक्टर जगदीश चंद जटिया फंस गए हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने राज्य शासन से इस मामले में जवाब तलब किया है। सामान्य प्रशासन विभाग अब कलेक्टर से जवाब लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। जटिया ने फेसबुक प्रोफाइल पर सीए को लेकर टिप्पणी की थी कि वे सीए एनआरसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने यह टिप्पणी प्रोफाइल से हटा ली थी। एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी पर आधारित फिल्म छपाक को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने को लेकर कलेक्टर जटिया ने फेसबुक प्रोफाइल पर फिल्म का पोस्टर अपलोड करते हुए लिखा था, तुम चाहे जितनी घृणा करो हम देखेंगे छपाक। इस पर एक मित्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि जेएनयू के लोग जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं और कुछ अभिनेता उनका समर्थन, क्या ये सही है? जो हमला हुआ है उसकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। इसका जवाब देते हुए जटिया ने लिखा था कि उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना आता है, वे सीए एनआरसी का सपोर्ट नहीं करते। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने इस पोस्ट को न सिर्फ हटा दिया बल्कि इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने सरकार से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राज्य सरकार ने तो इस मामले में कुछ नहीं किया, पर केंद्र क्रामिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने जरूर पत्र लिखकर जवाब मांग लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।